Assalamu alaikum students, I'm Shaista and now time to do page number 21. On page number 21, we will read about apostrophe. Apostrophes are used with nouns to show ownership. यानी apostrophe जो है वो noun के साथ use होती हैं ownership को show करने के लिए. ownership का क्या मतलब होता है कि ownership यानी जो चीज़ आपकी मिल्कियत हो या जिस किसी की मिल्कियत हो. जस्ट लाइक बॉयज़ बाइक, यानी बॉय की बाइक है, यानी ये बाइक जो है वो किसकी ऑनरशिप में है, बॉय की. किसकी मिल्कियत है, बॉय की. तो अपोस्ट्रोफी जो है वो इसमें यूज़ होता है. सिंगुलर नाउंस के साथ जब हम अपोस्ट्रोफी यूज़ करते हैं तो एस से पहले यूज़ करते हैं. सही है. एड एन अपोस्ट्रोफी आफ्टर द एस, यानी एस के बाद जो है हम वो प्लूरल नाउन के साथ यूज़ करते हैं, यानी बॉयज़ की बाइक्स. बहुत सारी बाइक्स हैं तो एस के बाद जो है वो अपोस्ट्रोफी आ गया. सही है. यानी बहुत सारे लड़के भी होंगे, बहुत सारी बाइक्स हैं. सही है. हमें एक्सरसाइज नंबर 3 दी है इसमें कि एड अपोस्ट्रोफीज टू शो ऑनरशिप इन दीज सेंटेंसेस. हमें इन सेंटेंसेस में जो है अपोस्ट्रोफी ऐड करना है और शो करना है ऑनरशिप का. जेरी वॉश्ड हिज डैड्स कार. जेरी ने अपने डैड की कार वॉश की. तो डैड की कार सिंगुलर है तो एस से पहले जो है अपोस्ट्रोफी आ गया. द जिराफ्स नेक इज़ वेरी लॉन्ग. यानी जिराफ की नेक जो है, गर्दन जो है वो लंबी है. तो जिराफ में एस से पहले अपोस्ट्रोफी आ गया. ऑल द स्टूडेंट्स हेड्स आर ब्लू. तमाम स्टूडेंट्स की हेड्स जो हैं वो ब्लू हैं. तो बहुत सारी स्टूडेंट्स हैं तो एस के बाद जो है अपोस्ट्रोफी आ गया. जैन रोड हर सिस्टर्स बाइक टू स्कूल. जैन ने जो है वो अपनी सिस्टर की बाइक जो है वो पर वो जो है स्कूल गया. तो सिस्टर एस से पहले जो है वो अपोस्ट्रोफी आ गया क्योंकि ये सिंगुलर है. शार्क्स टीथ आर रेजर शार्प. शार्क के जो टीथ होते हैं वो रेजर शार्प होते हैं. तो टीथ बहुत सारे होते हैं तो एस जो है के बाद आ गया. अपोस्ट्रोफी आर ऑल्सो यूज टू शॉर्टन वर्ड. यानी अपोस्ट्रोफी एक तो यहाँ पर ऑनरशिप शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी यूज़ हो रहा है और अब जो है अपोस्ट्रोफी वर्ड को शॉर्ट करने के लिए भी यूज़ होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं. जैसे डू नॉट है, सही है. तो इस डू नॉट को जो है वो शॉर्ट करने के लिए ओ की जगह जो है अपोस्ट्रोफी आ जाएगा तो डोंट हो गया. ठीक है. डेट में भी इसी तरह एन जो है ओ हट जाता है और उसकी जगह जो है अपोस्ट्रोफी आ जाता है. इसी तरह जो है शी इज़ है तो एस आई जो है वो हट गया, उसकी जगह अपोस्ट्रोफी आ गया. आई हैव है तो वी ई आ जाएगा, एच ए हट जाएगा और उसकी जगह अपोस्ट्रोफी. तो इस तरह से जो है ये वर्ड्स जो हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं. अब हमें मैच करने हैं ये वर्ड्स उनकी शॉर्ट एंड फॉर्म से. तो डज नॉट है तो डजेंट हो गया. हैव नॉट इधर एच ए वी ई एंड अपोस्ट्रोफी टी. हैवन्ट वॉज नॉट. इस तरह से आप देखें कि कुड नॉट है ये अपने उससे शॉर्ट एंड फॉर्म से मैच हो गया. हैज नॉट है ये अपने शॉर्ट एंड फॉर्म से हो गया. ही इज़ है तो उसको इस तरह से एच ई फिर अपोस्ट्रोफी एस करके लिखा. यू आर तो ए की जगह अपोस्ट्रोफी आ गया. वी हैड तो एच ए हट गया और वी और फिर अपोस्ट्रोफी डी आ गया. आई एम तो इस तरह से लिखते हैं हम आई अपोस्ट्रोफी एम. दे हैव तो दे और उसके बाद अपोस्ट्रोफी वी ई. ये हम इस तरह से लिखते हैं. अब हमें एक्सरसाइज नंबर 5 में कहा है कि हमें कॉन्ट्रैक्शन लिखना है जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं उनके. तो ही इज़ नॉट एट स्कूल येट. यानी वो स्कूल अब तक नहीं है स्कूल में. तो इज़ नॉट है तो उसका हमने शॉर्ट एंड फॉर्म लिख दिया. सही है. ओ की जगह अपोस्ट्रोफी आ गया. वी हैव नेवर बीन टू चाइना. मैं हम कभी भी चाइना नहीं गए. तो वी हैव को हमने वी और फिर अपोस्ट्रोफी वी ई कर दिया. दे वर नॉट इन द पार्क. वो पार्क में नहीं थे. तो वर नॉट को हम किस तरह से लिखेंगे. ओ की जगह अपोस्ट्रोफी आ जाएगा तो वर एंड फिर अपोस्ट्रोफी टी. इट इज़ है तो आई हट गया और एस लग अपोस्ट्रोफी एस हो गया. यानी इट इज़ अ वेरी हॉट डे. यानी बहुत ज़्यादा जो है गर्म दिन है.
वी विल नॉट गो इफ़ इट रेन्स, यानी हम नहीं जाएंगे अगर बारिश हुई, तो विल नॉट की जगह हमेशा विल नॉट की जगह जो इसका शॉर्ट एंड फॉर्म यूज़ होता है उसमें डब्ल्यू ओ एन और फिर अपोस्ट्रोफी टी आ जाता है, यानी वॉन्ट आ जाता है. कैरी कुड नॉट फाइंड हर पपी, तो कुड नॉट को हम किस तरह से लिखेंगे के एन के बाद ओ की जगह अपोस्ट्रोफी टी आ जाएगा, कुडेंट हो जाएगा. सही है, इस तरह से ये शॉर्ट एंड फॉर्म जो है वो याद भी होनी चाहिए सबको. पेज नंबर 21 कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर.